सूत्रों के हवाले खबर मिल रही है कि अभिनेता अरबाज खान ने पुलिस की पूछताछ में मान लिया है कि वे आईपीएल की सट्टेबाजी में शामिल थे। A9 में छपी खबर के मुताबिक अरबाज खान ने माना है कि उन्होंने पिछले साल आईपीएल के मैचों में सट्टा लगाया था और 2.75 करोड़ रुपए हारे थे। अरबाज ने बताया है कि वह पिछले 6 सालों से सट्टेबाजी में है, लेकिन इस साल कोई सट्टा नहीं लगाया है। गौरतलब है कि सलमान खान के भाई अभिनेता अरबाज खान थाने पुलिस की एंटी एक्ट और सनसेल के सामने पेश होने पहुंचे थे। थाने क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को समन जारी किया था। पुलिस ने 29 मई को मुंबई के नाम सट्टेबाज सोनू जालान को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ करने पर अरबाज खान का नाम सामने आया। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों की पूछताछ के दौरान सोनू का नाम सामने आया था। सोनू पर क्रिकेट बैटिंग के किंग जूनियर कोलकाता के लिए काम करने का आरोप है। थाने क्राइम ब्रांच के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सोनू जालान पर बॉलीवुड से जुड़े एक नामी व्यक्ति से बेटिंग के पैसे की जबरन वसूली का आरोप है। सोनू इसके पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। समन जारी होने के बाद सलमान खान के भाई अरबाज खान शनिवार को थाने क्राइम ब्रांच जाएंगे, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। हाल ही में खत्म हुए आईपीएल का 11वां संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर फाइनल जीता था, जिसके बाद सट्टेबाजी का यह मामला सामने आया है। बात करें अरबाज खान के बॉलीवुड करियर की तो बतौर एक्टिंग वे फ्लॉप साबित हुए हैं। शुरुआत से लेकर अब तक उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल सकी।